मंच पर विराजमान मंत्रिपरिषद के मेरे सभी साथी, उद्योग जगत के सभी मित्र, भिन्न भिन्न देशों के सभी राजदूत और बहुत बड़ी संख्या में पधारे हुए नौजवान दोस्तों, मैं श्रीमान रविशंकर प्रसाद और उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं तो उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ भारत के भविष्य को बदलने का एक खाका खींचा है। और जिस बारीकी से सारी योजना की रचना की है, मुझे विश्वास है कि करोड़ों देशवासी जिन सपनों को संजो रहे हैं वे सपने साकार होके रहेंगे। उद्योग जगत के कुछ मित्रों को यहां मंच पर डिजिटल इंडिया के संदर्भ में वे क्या सोचते हैं, वे क्या कर सकते हैं, ये विचार हमें सुनने को मिले। हमारे रविशंकर जी हिसाब लगा रहे थे बैठे बैठे कि वो क्या बोल रहे हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और करीब करीब 18 लाख लोगों को रोजगार। अब ये तो जो ऊपर बैठे हैं उन्होंने बताया, नीचे बहुत बड़ी मात्रा में बैठे हैं, उनका अभी सुनना बाकी है, क्योंकि यहां बहुत बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र में पहले से ही काम करने वाले उद्योग जगत के मित्र बैठे हैं। वक्त बहुत तेजी से बदल चुका है। पहले हम लोग कभी किसी परिवार में जाते थे, छोटे बच्चे से बात करते थे, तो बच्चा क्या करता था, अगर आपके चश्मे हैं तो खींच के ले लेता था, या आपके जेब में इंडिपेंड है तो उसको उठाता था। लेकिन आज आप मार्क करना, वो न चश्मे को हाथ लगाता है न इंडिपेंड को हाथ लगाता है, वो आपका मोबाइल फोन छीनता है। और मोबाइल फोन हाथ में आते ही ठीक से पकड़ता है आप मार्क करना और अपना शुरू कर देता है, और अगर जैसा चाहे वैसा ऑपरेशन नहीं होता है तो रोने लग जाता है। यानी वो बाकी कुछ समझे या न समझे, डिजिटल ताकत को समझता है। समय की मांग है कि हम इस बदलाव को समझें, और अगर हम इस बदलाव को नहीं समझेंगे तो हम कहीं पड़े रहेंगे कोने में, दुनिया दूर चली जाएगी, हम देखते ही रह जाएंगे। एक समय था कि सदियों पहले लोग बसते थे नदी के तट पर, गांव बसते थे, शहर बसते थे नदी के तट पर या समंदर के किनारे पर। वक्त बदल गया,
बाद में जहां जहां से हाईवेज गुजरते थे शहर वहां बसना शुरू किए, लेकिन अब मानव जाति वहीं पर बसेगी जहां से ऑप्टिकल फाइबर गुजरता होगा। ये बहुत बड़ा बदलाव आया है और इसलिए अगर विश्व के अंदर 125 करोड़ का देश अपनी ताकत का अगर एहसास करवाना चाहता है तो हम हजारों साल पुरानी महान संस्कृति है, हम 125 करोड़ देशवासी हैं, हम 65% 35 साल से कम उम्र के हैं, ये गीत गाने से बात बनने वाली नहीं है। ये जो भी विरासत है, जो सामर्थ्य है, उसके साथ आधुनिक विज्ञान को, आधुनिक टेक्नोलॉजी को जोड़ना अनिवार्य है। अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड, इसको अगर डिजिटल स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हम ग्लोबल लेवल पर जितनी मात्रा में फायदा उठाना चाहिए नहीं उठा पाएंगे। और इसलिए देश को तैयार करने की आवश्यकता है। आज हमारे देश में करीब करीब 25 करोड़ 30 करोड़ के बीच इंटरनेट यूजर्स हैं। यूजर की संख्या में तो दुनिया में संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन जो इससे वंचित है वो संख्या भी दुनिया के हिसाब से बहुत बड़ी है। अब जिनकी अपनी पहुंच थी, जितनी अपनी ताकत थी, जो खुद कर सकता था, जिसको जरूरत थी, उन्होंने तो अपना कर लिया, लेकिन जो खुद नहीं कर सकता है क्या उसको उसके नसीब पर छोड़ देना चाहिए क्या? देश का एक तबका वो तो डिजिटल वर्ल्ड के साथ बहुत तेज गति से आगे बढ़ता हो और देश का बहुत बड़ा तबका उससे वंचित रह जाए, तो जो अमीर और गरीब की खाई के कारण समस्याएं पैदा होती हैं, शहर और गांव में सुविधा के कारण जो खाई पैदा होती है, उससे भी भयंकर स्थिति डिजिटल डिवाइड के कारण पैदा हो सकती है। और इसलिए यह हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम इस आधुनिक विज्ञान, जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति का एक बहुत बड़ा कैटलिक एजेंट बना हुआ है, उससे गरीब से गरीब भी वंचित नहीं रहना चाहिए। और यह सुविधा जब तक हम गांव गरीब किसान तक नहीं पहुंचाएंगे तो ये विकास की जो बातें हैं न वो उसका लाभ उठा पाएगा न हम उसको सेवा दे पाएंगे। और इसलिए इस चुनौती को हमने स्वीकार किया है कि आने वाले वर्षों में दूर सुदूर गांव में भी गरीब से गरीब व्यक्ति को भी इस प्लेटफॉर्म को उपलब्ध कराना चाहिए, जिस प्लेटफॉर्म से वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता रहे। दुनिया जिस प्रकार से बदल रही है, आपने देखा होगा, आपको घर में मान लीजिए कभी तय करें, चलो भाई किसी रेस्टोरेंट में अच्छा आज खाना खाने जाना है, और परिवार के चार लोग बैठकर के चर्चा करते हैं कहाँ जाएंगे, और अब अगर आपका
15-16 साल का बच्चा है, वो सुनता है तो वो क्या करता है, तुरंत गूगल गुरु के पास जाता है और गूगल गुरु को पूछता है कि नजदीक में अच्छे से अच्छी रेस्टोरेंट कौन सी है, अच्छे से अच्छा मेनू कौन सा है, और वो टेबल भी वहां बैठे बैठे बुक करा देता है। ये इतना बड़ा बदलाव है। उस बदलाव को समझते हुए हमने भी अपनी व्यवस्थाओं को विकसित करना चाहिए। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इस सपने को साकार करने में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ई गवर्नेंस सामान्य मानवीय की जो शासकीय सेवाओं के जो उसका हक है उसको प्राप्त करने के लिए उत्तम से उत्तम मार्ग है, और ई गवर्नेंस बहुत ही तेजी से एम गवर्नेंस में बदलने वाला है। एम डज नॉट मीन मोदी गवर्नेंस, मोबाइल गवर्नेंस। और इसलिए सारा कारोबार, सारी आवश्यकताएं, व्यवस्थाएं मोबाइल फोन के इर्द गिर्द, पूरी सरकार आपके मोबाइल फोन में मौजूद होने वाली है, वो दिन दूर नहीं है। लेकिन इसके लिए हमें अपने आप को सज्ज करना होगा, व्यवस्थाएं विकसित करनी होगी। ई गवर्नेंस इज ए इजी गवर्नेंस, इट्स इकोनॉमिकल गवर्नेंस, आर्थिक रूप से अनुकूल ये गवर्नेंस है, और उसको हम जितना बल दें हमें उसको बल देना है। उसी प्रकार से हमारे सामने समस्या रहती है सरकार में, एक ही काम के लिए इतनी मल्टीपल एक्टिविटी करनी पड़ती है, इतना समय बर्बाद होता है। आधुनिक विज्ञान के माध्यम से कन्वर्जेंस बहुत सरल होता है, और जैसा अभी आपको प्रेजेंटेशन में बताया कि आज सरकार में 10 जगह पे 10 काम है तो सारे सर्टिफिकेट 10 जगह पे देने पड़ते हैं। अब वो सारी मुसीबत चली जाएगी, जब व्यवस्थाएं खड़ी हो जाएगी तो आपके एक डिजिटल नंबर से उसको सारी चीजें उपलब्ध हो जाएगी और कारोबार आगे चलता चला जाएगा। आने वाले दिनों में आज हम चर्चा करते हैं कि बच्चों को इतना बोझ उठा करके स्कूल जाना पड़ता है, उनके बक्से में उसके वजन से ज्यादा किताबों का वजन होता है। इन बालकों की समस्या का समाधान भी ये डिजिटल इंडिया में है। सारा सिलेबस एक छोटे से इक्विपमेंट में वो अपने साथ लेकर के घूम सकता है, और इसलिए कुछ लोग ऐसी जब बात होती है तो उनको लगता है ये कोई बड़ा एलिट क्लास के लिए काम है, ये बड़े लोगों के लिए काम है। हकीकत नहीं है। जब सैटेलाइट छोड़े जाते थे आज से कुछ वर्षों पहले तो कुछ लोग डिबेट करते थे, ये भारत जैसा गरीब देश, ये सैटेलाइट किसके लिए छोड़े जा रहे हैं, क्या उपयोग है। लेकिन आज वही सैटेलाइट वेदर फोरकास्ट अगर सही ढंग से करता है तो सीधा सीधा फायदा गरीब किसान को होता है। जब खर्चा करते हैं तो आलोचना होती है, लेकिन वही बाद में सामान्य मानवी की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये सारी योजनाओं जो आपने देखी, अब देखिए आज तो बैंक में जाना वगैरह सब है, लेकिन वो दिन अब दूर नहीं है कि बैंक पेपरलेस होने वाला है, बैंक प्रीमाइसिस लेस होने वाला है, पूरा बैंकिंग कारोबार आपके मोबाइल फोन से चलने वाला है। ये जो बदलाव आ रहा है, क्या उस बदलाव के लिए हम अपने आप को सज्ज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इन्हें भी हम देखें तो जब हम
19वीं शताब्दी में से तब से इन कामों को तेज गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी। जब दुनिया ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखा, हम पिछड़ गए। क्यों? कि हम गुलाम थे। औद्योगिक क्रांति का हमें लाभ नहीं मिला। लेकिन आज जब आईटी रिवॉल्यूशन आया है, हम आजाद हैं, हम यूथफुल नेशन है और हमारे पास टैलेंट है। जहां तक आईटी की बात होगी, दुनिया हिंदुस्तान का लोहा मानती है। हमें यह मौका गंवाना नहीं है। गुलामी के कालखंड में हमने जो मौका गंवाया, ये मौका हमने आईटी रिवॉल्यूशन में गंवाना नहीं है। उसके सामने कुछ और चीजों पर भी बल देखने की आवश्यकता है। भारत पेट्रोलियम इंपोर्ट, ये हमारी मजबूरी है। ऊर्जा की आवश्यकता है, जरूरत पड़ती है, हमारे पास सोर्स कम है, लाना पड़ रहा है। लेकिन ये बात गले नहीं उतरती है कि हिंदुस्तान का सेकंड हाईएस्ट इंपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं। क्या ये देश जहां पर इतने आईटी प्रोफेशनल्स हो, जहां इतनी बड़ी मात्रा में उद्योगकार हो और कोई बहुत बड़ी ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, क्या हम हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक गुड इतनी बड़ी मात्रा में न बना पाए कि जो क्वालिटेटिवली ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो और भारत का बना हुआ हो, ताकि भारत को कभी बाहर से इंपोर्ट न करना पड़े। ये डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम देश के उद्योग जगत को निमंत्रित करना चाहते हैं। मैं नौजवानों को भी स्टार्टअप के लिए जो मदद चाहिए, सरकार देने के लिए तैयार है। और आज दुनिया में स्टार्टअप की दिशा में हिंदुस्तान के नौजवानों की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में है और आने वाले दिनों में शायद अमेरिका के बाद हम नंबर दो पर आ जाएंगे स्टार्टअप के लिए। लेकिन इसे और बढ़ाना है। मैं देश के नौजवानों को भी चुनौती देता हूं, अगर आईटी प्रोफेशनल्स हमारे हैं, दुनिया की आईटी कंपनियों में ढेर सारी मात्रा में भारतीय मूल के लोग नजर आते हैं, लेकिन क्या कारण है कि गूगल का इनोवेशन हमारे यहां नहीं होता है? क्या कारण है कि इनोवेशन बाहर होते हैं? डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम देश के नौजवानों को इनोवेशंस के लिए आह्वान कर रहे हैं। काब आइए, इस चुनौती को स्वीकार करिए। और भारत जैसे देश को सबसे पहली आवश्यकता है, जैसे मेक इन इंडिया का महत्व है, वैसे ही डिजाइन इन इंडिया भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश के नागरिकों की रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति के अनुसार हमारी प्रोडक्ट तैयार हो, वो जो भाषा में समझता है उस भाषा में प्रोडक्शन प्रोडक्ट तैयार हो, जिस एज ग्रुप को एड्रेस करना है उसकी आवश्यकता के अनुसार प्रोडक्ट तैयार हो। 125 करोड़ देशवासियों का मार्केट है। हमारे देश के नौजवान अपने टैलेंट का उपयोग करते हुए, इनोवेशंस को ध्यान में देते हुए, डिजाइन इन इंडिया इस कंसेप्ट को पकड़ते हुए डिजिटल इंडिया के अंदर एक नए प्राण भर सकते हैं, नई ताकत भर सकते हैं। और उसको बल देने के लिए मैं देश के नौजवानों को आह्वान करता हूं, विश्व की ओर नजर करें। मैं मानता हूं कि भारत ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी अदा करने का समय आ गया है। हम देख सकते हैं कि दुनिया में रक्तविहीन युद्ध, और मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, रक्तविहीन युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। इस रक्तविहीन युद्ध से जब बादल मंडरा रहे, तो
सुखचैन की जिंदगी मानव जी सके, क्या भारत इसका नेतृत्व कर सकता है कि नहीं कर सकता है? क्या विश्व को सुखचैन की जिंदगी जीने के लिए रक्तहीन युद्ध से सुरक्षा देने के लिए क्या भारत की टैलेंट काम आ सकती है कि नहीं आ सकती है? मैं जो रक्तहीन युद्ध की बात करता हूं, वो मुद्दा है साइबर सिक्योरिटी का। दुनिया के हर देश को चिंता है कि हम इतना सारा कर रहे हैं, अगर साइबर वॉरफेयर हो गया और ये किसी ने एक क्लिक दबा करके रोक दिया तो हमारा तो देश ठप हो जाएगा, सारी स्थितियां बर्बाद हो जाएगी। क्या दुनिया को साइबर सिक्योरिटी देने का, रक्तहीन युद्ध से सुरक्षा का कवच देने का काम भारत के नौजवान अपने इनोवेशन से कर सकते हैं क्या? और दुनिया को विश्वास हो जाए कि साइबर सिक्योरिटी का जहां तक मसला है, हिंदुस्तान का प्रोडक्ट होगा तो हम सुरक्षित हैं, ये विश्वास हम पैदा क्यों न करें? इस चुनौती को हमने स्वीकार करना चाहिए। और डिजिटल इंडिया का सपना यह भी है तो रक्तहीन युद्ध का जो हमारे सामने बादल मंडरा रहे हैं, तब मानव जात को सुखचैन की जिंदगी के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत अनिवार्य हुई है। हर कोई चिंतित है। पहले का जमाना था कि किसी पिक पॉकेटर को आपको फॉलो करते करते बस में चढ़ना पड़ता था और जेब कतरा जेब काट लेता था। आज हजारों मील दूर बैठा हुआ कोई 10वीं 12वीं कक्षा का बच्चा भी कंप्यूटर की मदद से आपके बैंक के पूरे अकाउंट को उठा करके ले जा सकता है। ये स्थिति है। तो जिस प्रकार से इस टेक्नोलॉजी की सुविधाएं हैं, उसके संकटों को भी ध्यान में रखते हुए हमने व्यवस्थाओं को विकसित करने की आवश्यकता है। उन व्यवस्थाओं को विकसित करने की दिशा में हम लोगों का निरंतर प्रयास रहना चाहिए और उस प्रयास की पूर्ति करने के लिए मैं आपको आह्वान करता हूं, भारत संकल्प करे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड़ के इंपोर्ट को बहुत तेजी से कम करते करते हम आत्मनिर्भर कैसे बने। साइबर सिक्योरिटी के संकट से जूझ रहा विश्व, उसे साइबर सिक्योरिटी के देने में भारत के इनोवेटिव आइडियाज, भारत के लोगों के प्रोडक्ट ये दुनिया को एक नया विश्वास कैसे दे, उसके लिए हम कैसे आगे बढ़े। हम जो नई नई व्यवस्थाएं विकसित कर रहे हैं, और ये व्यवस्था है, अब मैं साफ देख रहा हूं कि अब डिजिटल गोडाउन वो दिन दूर नहीं होंगे, आप अपना सारा सामान डिजिटल गोडाउन में रख देंगे, सारे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं डिजिटल गोडाउन में पड़े होंगे, प्राइवेट कंपनियां आएगी, जैसे आपको लॉकर मुहैया करते हैं वैसे डिजिटल लॉकर मुहैया करेंगे। और इस बदली हुई व्यवस्था को हम कितनी तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर हम बल देना चाहते हैं। और आज जब हम इस डिजिटल इंडिया को लॉन्च कर रहे हैं, तब उन सपनों को साकार करने का जो हमारा प्रयास है, तब मैं जरूर कहना चाहूंगा, आई ड्रीम अपे डिजिटल इंडिया वेयर हाई स्पीड डिजिटल हाईवेज यूनाइट द नेशन। एक जमाना था हाईवेज के लिए मांग होती थी, अब अकेले हाईवे से चलने वाला नहीं है, आई वेज भी चाहिए, इंफॉर्मेशन हाईवे भी चाहिए। आई ड्रीम ऑफ अ डिजिटल इंडिया वेयर 1.2 बिलियन कनेक्टेड इंडियंस ड्राइव इनोवेशन। आई ड्रीम ऑफ अ डिजिटल इंडिया वेयर नॉलेज इज स्ट्रेंथ एंड एम्पावर्स द पीपल। आई ड्रीम ऑफ अ डिजिटल इंडिया वेयर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नोज नो बैरियर्स। आई ड्रीम ऑफ अ डिजिटल इंडिया वेयर गवर्नमेंट इज ओपन एंड गवर्नेंस इज ट्रांसपेरेंट। और मैं जब कह रहा हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी मदद कर सकती है, सारे लीकेजेस को रोका जा सकता है,
हमने अभी जो कोयले का ऑक्शन किया, सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया था। अनेक खदानों का ऑक्शन हुआ, लाखों करोड़ों का काम हुआ, लेकिन इस सरकार पर एक भी इल्जाम नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि हमने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया, संपूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंसी पर हमने बल दिया, और इसलिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट के रूप में उपयोग किया जा सकता है। आई ड्रीम ऑफ अ डिजिटल इंडिया बट टेक्नोलॉजी एंश्योर्स द सिटीजन गवर्नमेंट इंटरफेस इज इनकरप्टेबल। आई ड्रीम ऑफ अ डिजिटल इंडिया वेर गवर्नमेंट सर्विसेज आर इजिली एंड एफिशिएंटली अवेलेबल टू सिटीजन्स ऑन मोबाइल डिवाइसेस। आई ड्रीम ऑफ ए डिजिटल इंडिया वेर गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली एंगेज विद द पीपल थ्रू सोशल मीडिया। आई ड्रीम ऑफ अ डिजिटल इंडिया वेर क्वालिटी एजुकेशन रीचेज द मोस्ट इनएक्सेसिबल कॉर्नर्स ड्रीवन बाय डिजिटल लर्निंग। I dream of a digital India where quality healthcare percolates right up to the remotest region powered by e-healthcare. I dream of a digital India where farmers are empowered with real-time information to the connected with the global markets. I dream of a digital India where mobile enable emergency services ensured personal security. I dream of a digital India where cyber security becomes an integral part of our national security. I dream of a digital India where mobile and e-banking ensures financial inclusion. I dream of a digital India where e-commerce drives entrepreneurship. I dream of a digital India where the world looks to India for the next big idea. I dream of a digital India. The netizen is an empowered citizen. Thank you very much. Thanks a lot.